आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम बहुत ही आसान तरीके से मुहावरे के बारे में समझेंगे। इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना रुके हम इसे समझते हैं। पहले हम मुहावरे की परिभाषा जान लेते हैं। जो मुहावरा है यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसकी परिभाषा में एक बार और देख लेते हैं। हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना जिसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। यदि हम इसका शब्द प्रयोग करें तो विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। अगला है अंक भरना यानी स्नेह से लिपटा लेना। वाक प्रयोग है माँ ने देखते ही बेटी को अंक भर लिया। अगला है अक्ल चरने जाना यानी समझ का अभाव होना। वाक प्रयोग है इतना सी बात भी समझ नहीं सके, क्या अक्ल चरने गई है। अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना जिसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। वाक प्रयोग है युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। अंगूठा दिखाना जिसका अर्थ होता है समय पर धोखा देना। इसका वाक प्रयोग अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे आवश्यकता पड़ी तब अंगूठा दिखा दिया। अगला है आंटी मारना यानी चाल चलना। प्रयोग है ऐसी आंटी मारी कि बच्चे चारू खाने चित्त हो गए। अगला है अंडबंड कहना यानी बुरा भला कहना। वाक्य प्रयोग क्या अंडबंड कहे जा रहे हो, वह सुन लेगा तो कचूमर ही निकाल छोड़ेगा। अगला है अंग टूटना यानी थकान का दर्द। वाक्य प्रयोग है इतना काम करना पड़ा कि आज अंग ही टूट रहे हैं। अगला है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोग पाते रहें और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।